किसास के तौर पर जिन लोगों ने मुसलमानों को कत्ल किया है उनसे किसास लेना तो ज़रूरी है, लेकिन हिंदुस्तान में तो मुसलमान मजलूम है, वो कैसे किसास लेंगे? वो अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह उनका बदला लेंगे। के पता नहीं कहते हैं कि जिसमें चस का पहाड़ होगा दज्जाल आएगा, ये तो कोई आपने कोई नई बात लिखी है, हमने तो कभी नहीं सुनी। बस दज्जाल आएगा, क्या वो चस पीता होगा तुम उसको पीना चाहते हो? कि उसके साथ चर्च का पहाड़ होगा तो मजे करोगे तुम? पहाड़ को कोई तसव्वुर ही नहीं है, झूठी बात है तुमने घड़ी है, और तो हमने तो आज तक सुनी ही नहीं। होका मारना क्या है? होका मारना मुझे नहीं पता। मोहब्बत की शादी कहां तक जायज है? हर वक्त जायज है। हजन अस्वद पर औरतों और मर्दों का इख्तलात हो जाए तो आप अपनी औरतों को काबू करें, समझाएं कि न जाएं मर्दों में, दूर से इशारा करें। औरत उम्रा करने के बाद अपने बालों को पीछे ले जाए, जहां इंतहा हो तो पोर के बराबर सारे सिरे काट दे। पाकिस्तानी हो या कोई हो, मस्जिद आयशा से उम्रा जायज है। हमारा दो बेटा, अल्लाह सबके बेटों को अच्छा बनाए। हाफिज हबीबुर रहमान लापता है, अल्लाह पाक करे कि बा खैर हूँ और वापस आ जाएं। हमारी बीवी बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। जो भी बीमार है अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। मैंने उमरा किया, तवाफ भी किया, सफा भी किया, लेकिन मेरी उंगली का कुछ चमड़ा उतर गया, कुछ नहीं होता। अगर मुछू का कोई बाल टूट गया फिर भी कुछ नहीं होता। मैं मदीने मुनव्वरा से एहराम बांध के आया तो मैं आदत के मुताबिक नाखून जो है वो दांतों से काट दिया, कुछ नहीं है, दो चार रियाल खैरात कर दो। एक बात याद रखो, जिन लोगों को अल्लाह पाक मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए, दुआ करें हम सबको नसीब हो और अदब के साथ नसीब हो, और वो हाजी हमारे लिए शफात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया बने, उनकी खुश नसीबी है कि मदीने से दरहलेफा से एहराम बात के उमरा किया। क्यों? हजूर पाक ने कभी पाकिस्तान या हिंदुस्तान या बांग्लादेश से तो उमरा नहीं किया। आपने अगर उमरा किया है तो वहाँ दरहलेफा से किया या जेराना से किया है, तो ऐसा मौका अल्लाह तुम्हें दे रहा है तो उसको अगर ज़ाय करो तो बड़ी बदनसीबी होगी। फ्रूट जो है खाने से पहले खाएं या बाद में, जैसे खाएं, कोई शरीयत में तो मना नहीं है। असल होता यह है कि फ्रूट जो है वो लज्जत के लिए खाया जाता है, खाना जो है वो भूख मिटाने के लिए खाया जाता है, तो इसलिए उलमा या बाकी सब बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे मना नहीं, पहले भी कर लो। मैंने सर पे आज उस तरह फिरवाया, लेकिन साबुन अगर खुशबू वाला था तो कुछ सदका खैरात करो। तीसरे चक्कर में नमाज खड़ी हो गई तो आप नमाज पढ़ के जहां हैं उसी से फिर तवाफ को जारी रखें। हजर अस्वद को बोसा देने से बिल्कुल गुनाह माफ होते हैं, और कियामत में हजर अस्वद भी शफात करेगा। अल्लाह उसको जबान भी देंगे और अल्लाह उसको आंखें भी देंगे, वो जिसने उसको बोसा दिया है सुन्नत के मुताबिक उसकी सिफारिश करेगा। मैंने पहली दफा उमरा किया है, तवाफ और सफा के चक्कर जो है मैं भूल गया, तो आप भूल गए तो मुझे याद है। वह अल्लाह कबूल करे, और क्या कर सकते। बहरहाल अगर पेशाब के कतरों की तकलीफ है, हर नमाज के लिए निया वजू करें और नीचे अंडरवियर या कोई चीज ऐसी रखें ताकि कोई कतरा मस्जिद में न गिरे। अगर ऐन सूरज सर पे है तो नमाज न पढ़ें, सूरज ढलने के बाद पढ़ सकते हैं, किसी जगह भी पढ़ सकते हैं। एक बच्चा है अब्दुल्ला, उसको बीमारी, अल्लाह शिफा अता फरमाए।
عورتیں جو ہیں جیسے مرد رکوع کرتے ہیں وہ بھی رکوع کر سکتے ہیں, رکوع کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کل عمرہ کیا, احرام کھول دیا, اگر کپڑے پہن لیے اور آج سر مٹایا تو دم پڑ گئی. اگر ایک بندے پہ قرض ہے وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے بالکل کریں, کیونکہ عمرہ بار بار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. شوار سیوار کو پتہ نہیں, مچھلی کھانا ہر وقت جائز ہے. اگر طواف کے نفل اکٹھے پڑھیں وہ بھی جائز ہے, لیکن افضل ہر طواف کے بعد پڑھیں. قطعبہ نام رکھ سکتے ہیں, بالکل رکھ سکتے ہیں. بچی میڈیکل میں پڑھائی کر رہی ہے, اللہ کامیاب کرے. وضو کرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو, بدبو بھی نہ ہو, آواز بھی نہ ہو, تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم دل سے نہیں مانگتے, صرف زبان سے مانگتے ہیں, اور ہمارا رزق بھی حلال نہیں ہوتا. اگر فجر کی اذان سے پہلے طواف مکمل ہو گیا, اذان کے بعد پہلے دو رکعت طواف کے پڑھ لیں پھر سنت پڑھیں, ٹھیک ہے, وہ بھی جائز ہے. جن لوگوں نے آیت سجدہ پر امام کے پیچھے سجدہ نہیں کیا لیکن رکوع میں چلے گئے تو ان کی نماز ہو گئی, لیکن جو رکوع میں بھی نہیں گئے, کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوئی, دوبارہ لوٹائیں. یہ جو عالم ہے اسات تو زمین جن بھی رہتے ہیں, بالکل جن بھی رہتے ہیں, ملائکہ بھی رہتے ہیں. بہرحال ایک آدمی کے بڑے بیٹے نے دوسری شادی کی, تو اس نے شادی کر لی. اب وہ بیٹے کی شادی پر ناراض نہیں رہنا چاہیے, کہ اس نے گناہ تو نہیں کیا, شریعت کے مطابق جائز ہے, تم کس بات پہ ناراض ہو؟ اشک زہرا, پتہ نہیں اشک تو آنسو کو کہتے ہیں, آپ کیوں خام خواہ اپنی بیٹی کا نام آنسو رکھ رہے ہیں؟ صرف زہرا رکھ لو کافی ہے. ایک آدمی نے موبائل پہ دوسری شادی کی ہے, وہ نکاح نہیں ہوتا, اس کو کہو دوبارہ نکاح پڑھے. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے کچھ کھاتے رہے کوئی حرج نہیں. قرآن کریم کی روح سے پوتے اور پوتیوں کو دادے کی طرف سے حصہ نہیں ملتا. انگریزی قانون میں ملتا ہو لیکن شریعت میں نہیں ملتا. اگر دادا اپنی خوشی سے دینا چاہے اس کی مرضی ہے. شوہر کی جائیداد آدھی کو اپنی بیوی کے نام کروا دے, بیوی سب کو تقسیم کرے. اگر اس نے بیوی کو دیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے سب وارثوں کو ملے گا. تھینکس فار واچنگ, پلیز سبسکرائب, لائک, شیئر. مفتی سفیان.